बहुत सारे कार ब्लास्ट और एक्सीडेंट के केसेस आ रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी और अलग अलग जगहों से, आप जैसा कि इस न्यूज में देख सकते हैं। एक सड़क पर एक चलती कार में आग लग गई। अब रिपोर्ट ऑफ अ कार ऑन फायर है कि आखिर गाड़ियों में अचानक आग लगने की वजह क्या है। सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं देंगे क्योंकि आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी लोग के लिए। बस आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी इस भीषण गर्मी में बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट होने से बच सकें। आप सभी को पता है इस बार की गर्मी बहुत ही ज़्यादा भीषण और ख़तरनाक है, जिसके कारण घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा जानलेवा है। लेकिन ऐसे में हम लोग को कुछ इमरजेंसी केसेस में बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अपनी कार में, और यही कार हमारी जान का खतरा बन सकता है। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होने के कारण कार का इंजन ब्लास्ट हो सकता है, या फिर कार का टायर ब्लास्ट होने के कारण एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है और जिसमें आप और आप अपनी फैमिली की जान को खतरे में डाल सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो इस भीषण गर्मी में आप लोग को इन मेजर कार एक्सीडेंट से बचा सकती है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, थोड़ा सा भी मिस ना करें। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कार के इंजन के बारे में, कार के इंजन को ब्लास्ट होने से कैसे प्रिवेंट करें ऐसी भीषण गर्मी में। सेकेंड, कार के इंटीरियर को कैसे कूल डाउन रखें, बाहर के टेम्परेचर से कैसे नॉर्मल रखें। थर्ड, कार के टायर को ब्लास्ट होने से कैसे बचाएं। सो इन तीनों टॉपिक के ऊपर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं कार के इंजन के बारे में। सबसे पहले अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्लान करते हैं तो इमीडिएट ध्यान रखिए कि आप एक बार सर्विस जरूर करवा लें। सर्विस अगर नहीं करवाई बाई चांस तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए, कूलेंट। कूलेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंजन को कूल डाउन रखने में। तो कूलेंट है या नहीं गाड़ी में ये जरूर चेक करें। चेक करने के लिए साइड में आप लोगों को सिंबल दिख रहा होगा, ये कूलेंट लो होता है तब ये रेड सिंबल शो करता है। तो ये अगर सिंबल है तो गाड़ी को लेके मत जाइए, इमीडिएट वहीं पे रोक दीजिए, कूलेंट फिल करने के बाद ही जाइए। अगर बाई चांस आप लोग हाईवे पे चले गए हैं, वहाँ पे आपका ये कूलेंट का सिंबल शो कर रहा है, तो इमीडिएट गाड़ी को रोक दीजिए वहीं पे, बोनेट को ओपन कर दीजिए और हाईवे के नंबर पे कॉल करिए जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। वो लोग आपको कूलेंट लाके प्रोवाइड करेंगे, कुछ पैसे या चार्जेस लेंगे, लेकिन आप वहाँ पे कूलेंट फिल करके तभी गाड़ी को आगे मूव करें। सेकेंडली, गाड़ी को कभी भी आप 200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल ना करिए। 200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 15 मिनट का इंटरवल लीजिए और कहीं छाव में गाड़ी को रोक के गाड़ी का बोनेट ओपन कर दीजिए और गाड़ी को थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। अगर इंजन गर्म हो गया है तो उस पर हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल कर दीजिए गाड़ी के बोनेट के 15 मिनट ओपन करने के बाद। ये काम करने से क्या होगा, इंजन कूल डाउन रहेगा और गाड़ी की लाइफ बनी रहेगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक टेम्परेचर गेज होता है, अगर वो जब भी हाई के तरफ जाए तो इमीडिएट गाड़ी को रोकिए और थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। जब वो टेम्परेचर गेज नीचे आ जाए फिर अपनी गाड़ी को वापस से चलाइए। सो ये थी हमारे कार के इंजन के बारे में डिटेल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार के इंटीरियर को कूल डाउन कैसे रखना है। गर्मी में मेजरली बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, लेकिन उसके कारण हमारे गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो गाड़ी में बैठने से पहले आप मेक श्योर करिए कि आपने कार की विंडो को एक मिनट थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। ओपन होने के बाद उसको वापस से क्लोज कर दीजिए और जैसे ही गाड़ी में बैठे एसी को ऑन करिए, और एसी को ऑन करने के बाद एक रीसर्कुलेशन बटन होता है उसको आप ऑन कर दीजिए। अब इस रीसर्कुलेशन बटन का काम क्या होता है कि जो गाड़ी की अंदर की जो हवा है उसको बाहर जाने से रोकना। गर्मियों में इस बटन को हमेशा ऑन करके रखिए, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखिए। ये बाहर के टेम्परेचर को अंदर आने नहीं देता और अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देता, जिससे गाड़ी का अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कूल डाउन होता है। सेकंड, अगर आप अपनी गाड़ी को कहीं धूप में पार्क करते हैं, वहाँ पे छाव नहीं है, सो ऐसे में आप दो यूजफुल गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कार विंडशील्ड प्रोटेक्टर। इससे क्या होगा, जो आपकी बाहर की जो गर्मी है वो अंदर नहीं आ पाएगी और जो आपका डैशबोर्ड होता है उसका कलर भी फेड नहीं होगा और टेम्परेचर आपकी गाड़ी का थोड़ा सा डाउन रहेगा। सेकंड, सोलर एयर कंडीशनर वेंटिलेशन।
अब ये क्या, इसका क्या काम होता है कि जो गाड़ी के अंदर आपको विंडोज में इसको फिट कर देना है, यहाँ पे साइड में वीडियो दिख रही होगी, इस तरीके से आपको इसमें सेट कर देना है। इसको सेट करने से क्या फायदा होगा, जो आपके गाड़ी के अंदर जितनी भी गर्मी है, जितनी भी हॉट एयर है, उसको ये बाहर की तरफ थ्रो करेगा। और ये सोलर पे वर्क करता है, तो आपको कोई भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जैसी धूप आएगी ये ऑटोमेटिक चार्ज होता है और जो गाड़ी की जो गर्म हवा है अंदर, उसको बाहर की तरफ थ्रो करता है, जिससे गाड़ी आपके अंदर से कूल डाउन होती है। ये बहुत ही ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट गैजेट है जो आपके पास गर्मी में होने ही चाहिए। और इनको कहाँ से बाय करना है आप लोग को, सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, वहाँ से जाके डायरेक्टली आप अमेजोन से बाय करिए। अमेजोन बिल्कुल ही ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स देता है, सो वहाँ से आप इसको जाके बाय कर सकते हैं। और थर्ड बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आप लोग को ध्यान में रखनी है कि कार में किसी भी प्रकार का लाइटर, परफ्यूम, पावर बैंक या फिर चार्जिंग सिस्टम, ऐसा जो भी ब्लास्ट हो सके उस आइटम को नहीं रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर बोतल के अंदर पानी नहीं रखना है, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी होता है वो जहरीला बन जाता है ऐसे टेम्परेचर हाई होने के कारण। सो जितने भी स्टेप मैंने आप लोग को बताए, इन स्टेप को आप फॉलो करके अपने कार के इंटीरियर को बाहर के टेम्परेचर से कूल डाउन रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कार के टायर को ब्लास्ट होने से कैसे प्रिवेंट करना है। फर्स्ट, सबसे पहले आप जब भी कार के अंदर एयर फिल करवाते हैं तो उसमें एक PSI लेवल होता है, वो 35 से 40 वेरी करता है अलग अलग कार और टायर के बेसिस पे। सो इन लेवल के हिसाब से हमेशा आप एक दो नंबर डाउन ही रखिए जब भी आप लॉन्ग जर्नी में ट्रेवल करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, जब भी कार आपकी लॉन्ग जर्नी पे ट्रेवल करती है तो उसके जो अंदर की एयर होती है वो एक्सपेंड करती है बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसके कारण टायर की जो अंदर की हवा है वो एक्सपेंड करेगी, उससे आपके टायर के जो मॉलिक्यूल है वो भी एक्सपेंड करेंगे और टायर के ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ऐसे केस में PSI लेवल से हमेशा एक दो पॉइंट डाउन ही रखिए जब भी आप लॉन्ग जर्नी ट्रेवल करते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, जब भी आप कार के अंदर एयर फिल करवाते हैं तो नॉर्मल एयर की जगह आप लोग नाइट्रोजन फिल करवाइए, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके टायर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में और कूल डाउन रखने में। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है नॉर्मल एयर से, लेकिन ये आपके टायर के लाइफ के लिए और लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करते वक्त ये आपके टायर को कूल डाउन रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। थर्ड आप लोग को ध्यान देना है, लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करते वक्त कभी भी अपने RPM को ज़्यादा मत होने दीजिए 2000 से। इसका मतलब ओवर स्पीडिंग मत करिए, आप अपने कार को मैक्सिमम 100 स्पीड पे ट्रैवल करिए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे ट्रैवल करिए या 80 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करिए। इससे क्या होगा, अगर आपके गाड़ी का RPM जो है 2000 से पार नहीं जाएगा तो आपके इंजन के लिए भी बेनिफिशियल है प्लस आपके टायर के लिए भी बेनिफिशियल होता है। सो कभी भी ओवर स्पीडिंग मत करिए लॉन्ग जर्नी को ट्रैवल करते वक्त। और लास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करते हैं तो मेक श्योर करिए आपका टायर कहीं पुराना तो नहीं हो गया है। अगर पुराना हो गया तो प्लीज़ उस टायर को चेंज करिए, क्योंकि वो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। कैसे आप लोग को ये पता लगाना है कि जो आपका जो टायर है वो पुराना है या नया है, सिंपली उसके अंदर एक कार टायर इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर को आप लोग ध्यान से देखिए, वो टायर के जो लेवल है उससे मैच तो नहीं कर रहा। अगर वो टायर के लेवल से मैच कर रहा है, इसका मतलब है आपको उस टायर को चेंज करवाने की ज़रूरत है। अगर वो टायर के लेवल से बहुत नीचे है तो इसका मतलब आपका टायर अभी भी अच्छा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट एक बेसिक बात जो मैंने पहले भी बताई थी, 200 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल मत करिए। उतना ट्रैवल करने के बाद कहीं पे छाव में रुक के गाड़ी को 15 मिनट का रेस्ट दीजिए, जिससे कि आपकी गाड़ी भी फ्रेश हो जाएगी, आप भी फ्रेश हो जाएंगे और आपकी जर्नी सेफ रहेगी। सो आई होप गाइस वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को आप फ्यूचर में थोड़ा सा भी मिस ना करें। सो सेफ रहें, सतर्क रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।